हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 का फिजिक्स का टर्म 2 का सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में दो क्वेश्चन है, एक है सीमांत वेग क्या है इसको परिभाषित करना है और दूसरा इसी का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए, समझिए अच्छे से। सीमांत वेग, जिसे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, यहाँ पर देखिए, जब किसी वस्तु को श्यान द्रव में गिराया जाता है, यानी कि जब किसी वस्तु को श्यान द्रव में गिराया जाता है तो पहली वस्तु त्वरित होती है। त्वरित होने का मतलब हो गया कि उसका वेग में कुछ परिवर्तन होना, यानी वेग में वृद्धि होना, क्योंकि हम पढ़े हैं, नाइन्थ में भी पढ़े हैं, त्वरण होता है तो वेग में वृद्धि होती है, मंदन होता है तो वेग में कमी होती है। यहाँ त्वरित हो रहा है, त्वरित होने का मतलब क्या हो गया कि उसका वेग जो है ना थोड़ा सा बढ़ता है, बढ़ने की वजह से वो थोड़ा इधर उधर गति करता है और बाद में इसका त्वरण फिर शून्य हो जाता है। यानी त्वरण शून्य हो जाना मतलब त्वरण का मान, मैंने त्वरण में मैंने कि वेग में वृद्धि कमी कुछ नहीं होगा। और फिर क्या होगा, यह जो भी वस्तु गिराया गया है उस श्यान द्रव में, उस वस्तु का वेग क्या होगा, नियत हो जाएगा, यानी फिक्स वेग, यानी अंतिम वेग प्रारंभिक वेग एक समान हो करके और वो नियत वेग प्राप्त कर लेता है और उसी वेग से वो फिर द्रव में नीचे की ओर लगातार गिरता है। ठीक है, यही नियत वेग, जो नियत वेग प्राप्त करता है उसी नियत वेग को हम लोग सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे एक मेला में एक सिस्टम होता है, मेला आप लोग कभी गए होंगे, मेला में देखिएगा कि इस तरह का एक सिस्टम होता है, जैसे कि आप देखे होंगे सिक्का गिराने वाला सिस्टम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मेला में एक देखिएगा जो खेल, ये गेम जो खेलते हैं उनको कहा, उनको वो कहते क्या हैं, अपने कस्टमर को बोलते हैं कि आप एक सिक्का इसमें डालिए। ठीक है, अब वो सिक्का गिराने को कहते हैं किसमें, एक बाल्टीन जो है, एक जार होता है, उस जार में पानी भरी होती है, इस जार में पानी भरी होती है और उसके नीचे एक तली में इस जगह एक छोटा सा डब्बा रहता है, जिस डब्बे में एक, इस छोटे से डब्बे में इस सिक्के को डालना होता है। ठीक है, तो इस सिक्के को डालना होता है, आप देखे होंगे बहुत सारे जगह ऐसा सिस्टम, ऐसा गेम खेला जाता है बच्चों के साथ। तो उसका सिस्टम है कि अगर वो पैसा उसमें चला जाता है तो वो पैसा आपको दोगुना मिलेगा। तो आप देखे होंगे बहुत कम ही सिक्का इसके अंदर जा पाता है, आप सीधा डालते हैं लेकिन वो नहीं जा पाता। उसका रीज़न क्या है, तो वो पहले त्वरित होता है, जैसे ही डालता है तो वो त्वरित होता है और त्वरित होने के क्रम में ही वो छोटे वाले डब्बे में ना गिर करके बगल में गिर जाता है, जिसकी वजह से डब्बा में नहीं जाता। ठीक है, तो यही कारण है, मेन कारण क्या है कि जैसे ही किसी वस्तु को द्रव में गिराएंगे तो उसका वेग क्या होगा, उस पर त्वरण उत्पन्न होगा और उस त्वरण की वजह से वो सीधा नहीं जाता। सीधा कब जाएगा, जब वो नियत वेग प्राप्त करेगा, तो वही अधिक गहराई होगी तो फिर वो नियत वेग प्राप्त करेगा तब नीचे जाएगा सीधा। वहाँ पे जो ऐसे जाता है, वैसे जाने का कारण क्या है, त्वरण उत्पन्न होना। ठीक है, यही सीमांत वेग था। इसके बाद देखिए व्यंजक, मान लिया जाए कि आर त्रिज्या का एक गोलाकार गेंद है जो सिग्मा घनत्व वाले श्यान द्रव में, यानी यहाँ पर क्या है, द्रव है इस जगह, और इस द्रव का जो घनत्व सिग्मा घनत्व, इसका घनत्व है, इस द्रव का घनत्व है सिग्मा और इस पदार्थ का जो घनत्व है वो है रो। तो कह रहे हैं रो, सिग्मा घनत्व वाले किसी द्रव में गिराया जाता है श्यान द्रव में, इस द्रव का श्यानता गुणांक मान लिया जाए ईटा है और इस पदार्थ, जो पदार्थ बना है उस पदार्थ का घनत्व सिग्मा ए रो है। वस्तु पे जैसे ही हम लोग किसी वस्तु को द्रव में गिराते हैं तो उस पर तीन तरह के बल कार्य करते हैं। पहला, नीचे की ओर कार्यरत वस्तु का भार, हम लोग जानते हैं कि नीचे वस्तु पृथ्वी उसको गुरुत्व बल आरोपित करती है और वो गुरुत्व बल भार कहलाता है, तो भार के वजह से वो नीचे की ओर जा रहा है, उस पर बल एक कार्य कर रहा है। दूसरा, ऊपर की ओर कार्यरत उत्प्लावक बल, हम लोग ये जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो पानी में डूबी होती है उस पर जो द्रव है एक ऊपर की ओर बल लगाता है, उस बल को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावक बल, तो उत्प्लावक बल को यहाँ टी से सूचित किया गया है। और कह रहा है कि वस्तु जो श्यान द्रव है जिसका कुछ अपना घनत्व होता है, उस घनत्व के वजह से भी वस्तु क्या होती है, एक और बल आरोपित करती है वस्तु पर और उस बल को कहेंगे हम लोग श्यान बल, जो एफ है, यानी उत्प्लावक बल और श्यान बल ऊपर की दिशा में और का ये भार जो है वो नीचे की दिशा में। ठीक है, अब आगे देखिए, अब समझिए, यहाँ तक तो बता दिए थे कि ऊपर की ओर कार्यरत श्यान बल है,
यानी कि नीचे की ओर जो बल है वो भार है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक उत्प्लावक बल और एक स्यान बल। तो नीचे की ओर जो टोटल परिणामी बल जो आरोपित हो रहा है वो क्या होगा, तो नीचे की ओर कुल बल जो भार है उसमें माइनस हो जाएगा ये दोनों, तो इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ माइनस करते, तो माइनस जैसे साइन हटाएंगे दोनों माइनस में हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि जब वस्तु नियत वेग प्राप्त कर लेता है, बताया गया अभी कि पहले वस्तु त्वरित होती है फिर बाद में अंतिम वेग एक नियत वेग प्राप्त कर लेती है, तो मान लिए कि वस्तु जब नियत वेग प्राप्त कर लेती है तो वस्तु पर आरोपित जितना भी बल है वो शून्य हो जाएगा। नियत वेग तभी प्राप्त करेगा जब वस्तु का बल शून्य हो जाएगा। तो हम लोग परिणामी बल को एफ डैश माने हैं, तो एफ डैश बराबर जीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा हो गया जीरो। अब हम लोग यहाँ एफ को इस साइड रखेंगे, यानी स्यान बल को इधर रखेंगे, माइनस एफ इसको उधर भेजेंगे, तो प्लस में यहाँ भार है माइनस हो गया और ये जो उत्प्लावक बल है वो प्लस हो गया। फिर इसके माइनस को हम उस साइड अगर भेज देते हैं या माइनस को कॉमन लेके कटा देते हैं तो यहाँ माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। तो स्टोक के नियम से हम लोग पढ़े हैं स्यान बल का फॉर्मूला, एफ बराबर फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा रो भी। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोगों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक बता दिए थे समीकरण फर्स्ट, अब स्टोक के नियम से भी बता चुके हैं। अब यहाँ से देखिए, इसमें जो भी यूज किया है वही क्या है, वस्तु का वेग है। तो वस्तु का भार बराबर हम लोग जानते हैं कि डब्लू, और भार बराबर होता है आयतन गुना घनत्व। तो चूंकि वस्तु कैसा है, गोला के आकार का है, तो गोला का सूत्र हम लोग लगाएंगे 4/3 πr³, और वस्तु का जो घनत्व है वो रो माने थे हम लोग, रो ले लिए, तो डब्लू का मान ये आ गया। अब उत्प्लावक बल जो बताया था, पानी जो है, द्रव जो है, वो द्रव वस्तु पर जो बल लगा रहा है, और हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत से पढ़े भी हैं, उत्प्लावक बल जो लग रहा है वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो ये द्रव के भार के बराबर तो होता है द्रव। अब कैसा है द्रव, वो गोला था चूंकि, तो उतना ही गोल आकार का ही, अपने आकार का ही वो द्रव वहाँ से हटाएगा, तो यानी कि गोले का ही आयतन और द्रव का घनत्व, इस बार लेना है द्रव का घनत्व, यहाँ लेना है वस्तु का घनत्व। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला हो गया 4/3 πr³, और उत्प्लावक बल को हम लोग टी से सूचित करते हैं। अब घनत्व तो हम लोग चूंकि द्रव का लेंगे तो सिग्मा माने हैं पहले वाले में, देखिएगा इससे पहले बताए थे कि द्रव का घनत्व तो सिग्मा है, तो इसका मान ये आया। अब हम लोग वहाँ समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, एफ बराबर जो है उसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, उसी समीकरण में ये दोनों तीनों का मान रख दिए, स्टोक के नियम का भी या डब्ल्यू टी का। स्टोक का नियम इधर रखे हैं, डब्ल्यू का मान देखिए ये यहाँ से, और इसका टी का मान यहाँ से, दोनों में देखिए कॉमन ये आ रहा है। अब इसके आगे, अब इसके आगे है 6 πr³ बराबर, उस पर है 4/3 πr³। आर क्यू में क्या करेंगे, आर को हम तीन बार भी लिख सकते हैं, और अंदर है रो माइनस सिग्मा। इसमें देखिए कष्ट का कैंसिल कौन कौन सा होता है, ये पाए कैंसिल हो जाएगा, दो से ये कटेगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, और यहाँ से एक आर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 3 ηv, और उधर बचेगा 2/3 r² और फिर रो माइनस सिग्मा। अब यहाँ से हम लोग अगर भी केवल निकालेंगे तो 2 ऊपर में ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3 × 3 = 9 r² और रो माइनस सिग्मा / ηi, ये ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा यही सीमांत वेग है, जो कि सीमांत वेग का व्यंजक है। ये क्या है, ये जो निकला यही सीमांत वेग है। सीमांत वेग का व्यंजक है जो हम लोगों को प्राप्त करना था, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन, इसी में हम सूत्र से इसको समझा देते हैं। आप सूत्र से ये पता कर सकते हैं कि सीमांत वेग किन कारकों पर निर्भर करता है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, हो सकता है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे, मॉडल सेट से अगर बाहर क्वेश्चन इससे पूछेगा तो आपको देखिए कैसे पूछेगा। तो सीमांत वेग निम्न कारकों पर निर्भर करता है, कैसे निकालेंगे, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए तो यहाँ पर याद रखना है कि आपका जो ये वाला भाग है, ये टर्न, ये कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे तो भी समानुपाती r² रो माइनस सिग्मा बाय ईटा। तो देखिए यहाँ साफ साफ स्पष्ट है कि
कि सीमांत वेग जो होता है वो वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर करता है। वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट है, ये क्या चीज है, ये बताया था पदार्थ का घनत्व। पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। तीसरा है द्रव, द्रव के घनत्व पर। और चौथा है श्यानता गुणांक पर, जो द्रव आप लोग लिए हैं उस द्रव का, तो द्रव के श्यानता गुणांक पर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखने के लिए लिख देते हैं कि वर्षा की जो बूंदे होती है, वर्षा की बूंदे या पैराशूट, वर्षा की बूंद हो या पैराशूट, ये दोनों किस पर, ये दोनों किस वेग से गिरता है, तो सीमांत वेग से। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि वर्षा की बूंद किस वेग से गिरती है, तो बताना है आपको सीमांत वेग से। पैराशूट किस वेग से गिरता है, तो बताना है सीमांत वेग से। ठीक, कॉर्क में भी देखे होंगे जब आप कॉर्क को मारते हैं तो कॉर्क ऐसा नहीं गिरता, कॉर्क सीधा गिरता है, जहाँ से भी गिरे वो सीधा गिरता है, तो वहाँ से भी वो कॉर्क भी सीमांत वेग ही प्राप्त कर लेता है, बस हवा ना चलना चाहिए, हवा चलेगा तो उसका स्पीड में अंतर आ जाएगा। ठीक है,